ये आप देख सकते हैं अभी कैंटर स्टेशन है, तो ये भी कैंटर स्टेशन का ही है। तो अभी कैंटर स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो कैंटर स्टेशन तकरीबन एक बाइक से तो काफ़ी बेहतरीन लुक बना दिया हुआ है, बना काफ़ी पुराना है, ओल्ड एज है। जैसे कि मेरे तक तो मुझे तो लगता है कि मेरे दादा भी पैदा नहीं होंगे तब से ये कैंटर स्टेशन बना हुआ है, तो नक्शा तो वही वाला है। ये देखें हमारा नेक्स्ट होगा एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच के फिर एयरपोर्ट की जगह बनाने की जाएगी, तो वहाँ पर फाइनली अभी पहुंचने वाले हैं। तो अभी यहाँ से इनको पिक करते हैं और पिक करके लेके जाते हैं। वजह के सामने ट्रेन आ गई है, बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही है ट्रेन, तो अभी 9 नंबर पहुँचे, तो 9 नंबर तक जब पहुँचे देखते हैं, जैसे ही 9 नंबर पहुँच होगा तो फिर उसके साथ साथ चलेंगे आगे। ये आ गई है कराकरम ट्रेन का नाम है, देखो 9 तो काफ़ी दूर हो जाएगा, 1 हो गया है, मतलब अभी हमें पूरे 8 डब्बे और इंतजार करने पड़ेंगे। 2 आ गया, ये देखिए सामने लिखा हुआ है 2, ये 3 अभी इंतजार कर रहा हूँ मैं तो, तक सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, आप भी करो भाई थोड़ा सा, इतना तो करना पड़ता है। 4 5 6 भाई रोक लो आगे लेकर जाओगे क्या, 7 9 यही वाला है भाई। फाइनली इसको आश्रम पहुंच चुके हैं, अब पता नहीं यहाँ से उतरते हैं आगे से उतरते हैं। तकरीबन 3 जने उतरेंगे, 3 का वेट करना पड़ेगा, जानता मैं भी नहीं हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, अली भाई ये आ गए हमारे, क्या हाल है, ठीक हो, जबरदस्त। और दोनों ने ठीक है, सामान वगैरह ले लिया। अब नेक्स्ट हमारा है, हमने होटल ढूंढ रहे हैं, अब होटल पे जाएंगे तो होटल पे जाके फिर वहाँ पे घूम जाते हैं, बाकी नेक्स्ट। ये अल फैसल होटल, तो अल फैसल होटल पे हमने आए, इसमें हमें रूम मिला है, और के आसपास जो होटल थे वहाँ पे भी हमें रूम नहीं मिला, गए भी थे उनके पास, 4 बेड का नहीं था, 3 बेड का ही था सबके पास, फिर ये होटल हमें सही लगा, इस पर हम आए। और यहाँ से फिर हमारे पास सामान भी था, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 4th फ्लोर पर जाके हमें मिला था, तो ये 302 है, 3rd फ्लोर पर पहुँच गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th फ्लोर, तो 4th फ्लोर पे यही है भाई, 401 सामने ही वो रखने में 401 वाला रूम है। ओए ओए कोई गर्मी ने हालत की, इतनी ज़्यादा गर्मी शिद्दत से, कोई मैं बोलता हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पसीने ही नहीं रुक रहे थे, हालत हुई सबसे पहले आए आगे फ्रेश हुए, फ्रेश हो गए फिर कोई सुकून मिला। अब ये देखना, ये देखो इतना पसीना आ रहा था कि ऐसी हालत हो रही थी जैसे नहीं होने का हक था। तो यहाँ पहुँचे हम भाई, फ्रेश व्रेश होने के बाद अब जा रहे हैं हम खाना खाने के। तो अब बाहर है, बाहर जाके देखते हैं कोई अच्छा होटल है। अब मुर्गी का बोल रहे थे, मुर्गी तो भाई बिल्कुल भी नहीं खानी, मुर्गी तो मुर्गी कोई भी गोश्त वाली चीज़ नहीं खानी, ऐसी हालत हो जाती है गर्मी में। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं खाना के, हमें 2 ही चीज़ें पसंद आई, 1 चने की दाल और सदर मार्केट, सदर से हमने कोई सामान वगैरह लेना था, हम सदर पहुँच गए हैं। सदर ये सीधे की मार्केट है, जो मेन मार्केट है सदर की, तो ये भाई वाले भी मेरे साथ ही हैं, इन्होंने सामान वगैरह लेना था, इन्होंने बाहर जाना था, फिर मुझे भी साथ में चलना पड़ा गर्मी में। अभी तो फिलहाल कुछ ये है कि 3:30 का टाइम हो गया है, तो 3:30 के टाइम पे अब कुछ इतनी गर्मी खास नहीं है, है सही पर नॉर्मल है। बड़ा मार्केट में आ गए हैं, बड़ा मार्केट में ये देखें, बहुत इसका तो मैं पता ही नहीं था कि बड़ा मार्केट भी है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बेस्ट है कि उन्हें भी पता चल गया कि बड़ा मार्केट है। हर चीज़ देखो कैसा VIP साउंड पड़ा हुआ है इसके ऊपर,
यहाँ से तो हर चीज़ में, मतलब कि जो मैंने शूज़ से लेकर छोटी से छोटी मोबाइल चार्जर, मोबाइल एक्सेसरीज तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बड़ा मार्केट का नाम भी कुछ देख के रखा है कि बड़ा मार्केट। तो अभी हम यहाँ से हमने सामान ले लिया, लेने के बाद ये शूज़ हैं, भाई वालों ने शूज़ लेने थे, शूज़ लिए। शूज़ वाले ने भी भाई जिसमें भी जाना संदर्भों में बोलता हूँ कि बड़ा मार्केट चल रही है, बड़ा मार्केट का रेट हाई है, बाहर से रेट हाई है, इनको सस्ता करना चाहिए पर यहाँ का रेट हाई है बाहर से। तो अभी देखेंगे सामने बड़ा भाई भी है। तो ये अभी हम फाइनली यहाँ पे, अभी तो फिलहाल यहीं पे है, कुछ और चीज़ें भी देखा थोड़े दो चश। फाइनली अभी पहुँच गए बार्बर के पास, तो इसे अभी कटिंग वगैरह करवानी है, खत बनवानी थी। अली भाई ने तो बगैर खत बनवानी है, तो खत की सेटिंग वगैरह करवानी थी, बाकी तो बनी हुई थी सेटिंग करवानी थी। अभी मैं इनके पास ही हूँ, बाकी को हमने उनके भेज दिया वो सामान वगैरह के लिए, और सामान वगैरह सेट किया, सामान वगैरह सेट करके फिर अब हमारा खाने का प्रोग्राम बन गया। अभी हम पहुँच गए खाने पर, खाने होटल पर खाना लगवाया, खाने जैसे आता है तो खाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हमने एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट फाइनली। तो अभी हम यहाँ पे इनको बस लास्ट है, यहाँ तक कि मेरा इनके साथ सफ़र है, इसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाके बस इनको छोड़ेंगे। हमने गाड़ी करवाई हुई टैक्सी, तो अभी ये हैं और ये मैं हूँ। ये देखिए भाई रख रहे हैं, ये सामान रख रहे हैं। तो बस अभी मेरा और इनका सफ़र इतना ही था, आगे भी मैं इनके साथ जाऊँगा, आगे जाऊँगा तकरीबन एयरपोर्ट तक जाऊँगा, एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर। डीजल इंजन है, 1600 सीसी होना, 1600। पहुंच गए भाई, किया फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए। ये देखे एयरपोर्ट है, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर की भी वीडियो बनाएंगे। तो ये देखे भाई हमारे भाई, इन्होंने तो माशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी ड्राइव की है, उड़ाते हुए लेकर आए। बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ गुजारा हुआ टाइम थोड़ा ही हो पर बहुत अच्छा गुजरता है। भाई इनको अलविदा करना है और मेरे साथ आधा घंटा या एक घंटा, उसके बाद भाई अल्लाह हाफिज़ जा रहे हैं, फिर पता नहीं नसीब हो मिले दोबारा ना मिले। बाकी अभी तो फिलहाल इनके साथ हैं, जो आधा एक घंटा है वो इनके साथ गुजारे। जब हम आए थे, हम ऊपर वाली साइड से आए थे, सेकंड फ्लोर पे डायरेक्ट आए थे, तो अब ये नीचे वाला है फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर से कराची जब जाते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर से जाते हैं, जब आती है कोई भी फ्लाइट आती है तो वो नीचे वाला फ्लोर से आती है। अभी बस इतना ही टाइम इनके साथ मेरा था जो मैं इनके साथ गुजार रहा था, अब ये जा रहे हैं, बस खुश हो गया होंगे और मैं वहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो ये अलविदा करते हैं इनको, आप भी गाँव में याद रखना कि ये खैर खैरियत से पहुँचे, अल्लाह पाक इनको वहाँ पे जीवन के लिए जिससे चले भी गए, उनकी फ्लाइट भी निकल गई है। मैं सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था, वो तो निकल ही गए थे, तो अभी सूरज निकल गया, तो अब मैंने भी राइड बुक करवा लिया, तो अभी जा रहा हूँ, वेट कर रहा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू, टेक केयर।